हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है और आप सोच रहे होंगे यहाँ क्या चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अपना एसी क्लीन कर रहे हैं, बहुत गंदा हो गया था। एक्चुअली हुआ क्या, कल रात में हम लोग सो रहे थे और रात में 12 बजे हम लोग को कुछ अचानक से जलने की महक, ऑयल की महक, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था क्या महक रहा है, कैसा महक रहा है। हम सब लोग अचानक से उठ गए, बहुत डर गए, पता नहीं कैसे तेल महक रहा है, ये क्या हो गया है। और तीनों लोग उठ कर बैठ गए और बाहर देखा, हम लोग ने पर्दे हटा करके विंडो से बाहर, तो सामने वाले जो सोसाइटी थी वहाँ लाइट भी नहीं थी। अब हम लोग और डर गए, न जाने क्या हो गया अचानक से। और फिर पता चला कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है बाहर, हमारे एसी में ही कुछ प्रॉब्लम था कि बहुत गंदा हो गया था एसी। तो बस वही हम लोग ने सोचा, चलो आज सुबह उठ करके अपना एसी क्लीन कर लेते हैं। पहले हम लोग ने सोचा चलो बाहर से किसी को बुलाते हैं एसी ठीक करने, रिपेयर करने वाले को, लेकिन फिर बहुत सोचा, अरे डर लगता है ना, अभी वायरस चल रहा है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने किसी को बुलाया नहीं और यहाँ हम दोनों ही मिल करके खुद से कर रहे हैं। और ये मैं दिखा रही थी, देखिए वर्मा जी यहाँ कुछ ऑयल पड़ा है क्या, तो वो बोले नहीं ये पानी है। और यही हम लोग यहाँ पे बातें भी कर रहे हैं और बहुत हैवी है, डर लग रहा था मुझे मैं कैसे करूँगी, बट हम दोनों ने मिलकर कर लिया। और पीहू पीछे खड़ी हुई है, हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है, तीनों लोग मतलब हम लोग नाश्ता कर चुके हैं और सबसे पहले हम लोग ने यही काम किया है। तो देखिए कितना हैवी है, हम लोग कैसे कैसे इसको उठा करके बाहर रखेंगे। और मैं पूरा वीडियो शूट कर रही हूँ कि आप घर पर अपना एसी कैसे क्लीन कर सकते हैं, मतलब कैसे आप क्या बोलते हैं, सर्विसिंग कर सकते हैं। जो लोग सर्विस करने आते हैं वो लोग ऐसे ही ऐसे प्रोसेस करते हैं, तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। तो देखिए हम लोग ने यहाँ पर एसी उतार लिया है और ये सच में बहुत ज़्यादा भारी था। तो ये देखिए अब हम लोगों ने इसको ज़मीन में रख लिया है और क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है, कितना ज़्यादा डर्ट है, डस्ट है। तो ये सारा वर्मा जी क्लीन करेंगे और मैं अपने और काम भी करती जाऊँगी, क्योंकि लंच बनना है और लंच में मैं आज सोच रही हूँ डोसा बनाने के लिए, तो वो भी मुझे प्रिपरेशन करनी है। ये देखिए पिचकारी से पहले ये हवा मार के क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास पंप तो है नहीं, तो हम लोगों ने सब जुगाड़ तुगाड़ से काम किया है। और ये यहाँ पर देखिए वर्मा जी इसको क्लीन कर रहे हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आप मेरे घर की कंडीशन देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा घर पूरा फैला हुआ है। और ये सारा सामान भी देखिए यहाँ रखा हुआ है, पानी इसका पूरा सूख गया है। अब मैं इसको सेट करूँगी, लेकिन अभी बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत सारा काम एक साथ फैला है। आपने अंदर बेडरूम देखा, पूरा फैला है। इधर देखिए बाहर वाले रूम पर मैंने ये गद्दा आज फिर से रख दिया है, जिससे थोड़ा सा सामान अंदर से बाहर आ जाएगा तो ठीक रहेगा। और हम लोग का एसी अचानक से बंद हो गया था, और मतलब बंद हो रहा था, और क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो उसे क्लीन करना भी ज़रूरी है। तो अभी हम लोग यहाँ मिल करके एसी यहाँ पे अभी वर्मा जी कर रहे हैं। पहले हम लोग सोच रहे थे कि एसी बाहर ले आएंगे, बट वो इतना ज़्यादा हैवी है और बड़ा है कि उसको बाहर लेकर के आने में दिक्कत हो रही थी इसीलिए। और घर पे आप कैसे एसी को सर्विस कर सकते हैं, मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग और अच्छा लग रहा होगा। और मैं आज लंच में बना रही हूँ डोसा, जिसके लिए मैंने आपको दिखाया कि सांभर जो मैंने बनाना था सीटी मैंने लगा लिया है, मतलब दाल उबाल ली है, चावल सॉरी क्या बोलते हैं ये आलू भी बॉईल कर लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले आलू फ्राई कर लेती हूँ। आलू फ्राई करने की रेसिपी नहीं रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि पहले बहुत सारे व्लॉग में कर चुकी हूँ। तो चलिए फटाफट से आलू बॉईल फ्राई कर लेती हूँ।
तो यहाँ मैंने आलू फ्राई कर लिया है और मैंने इसकी रेसिपी बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करी है क्योंकि मैं पहले रेसिपी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता इसलिए क्योंकि और आज मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी भी थी इसलिए मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करी है। आलू फ्राई करना तो आपको आता ही है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप फ्राई कर सकते हैं। और देखिए मैं फिर से रूम पे आ गई हूँ, जो इसका ऊपर वाला ढक्कन होता है ना एसी का, ये भी खोल लिया गया है और अब अंदर से भी वर्मा जी यहाँ पे क्लीनिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल आपको दिख रही होगी, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा धूल है। जब से हम लोग आए हैं तो हम लोग बाहर से तो क्लीन करते ही थे बट अंदर का क्लीनिंग ऐसे करना जल्दी से पॉसिबल नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे डस्ट है। तो यहाँ देखिए हम लोग किस तरह से क्लीनिंग कर रहे हैं, सब कुछ अल्टरनेट तरीके से। हमारे पास पंप नहीं है तो हमने पिचकारी को बना लिया है पंप और अंदर की क्लीनिंग हो चुकी है। अब हम लोग इसका ऊपर का ढक्कन लगा देंगे, इसको जो स्क्रू होते हैं उससे टाइट वाइट कर लेंगे और फिर उसके बाद ऊपर अपनी एसी को फिर से जगह पर सेट करना है। तो मैं किचन में भी साथ के साथ लगी हुई हूँ और देखिए अब मैं अंदर आ कर के रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। चलिए अब अपनी एसी को अंदर सेट करते हैं। तो ये देखिए फिर से मैं किचन में आ गई हूँ और मेरा आलू फ्राई हो चुका था, उसके बाद मैं अंदर गई थी, फिर मैंने थोड़ा सा हेल्प कराया वर्मा जी की और वाटरमेलन भी कट किया था। मैंने सोचा चलो मैं खिलाती जाऊँगी उनको अपने हाथ से फॉक से, तो हम लोगों ने खा लिया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे सांभर फ्राई कर रही हूँ। फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं कितना सारा काम चल रहा है, पूरा घर फैला हुआ है, साथ में मैं अपना किचन का लंच भी तैयार कर रही हूँ और ये सारा जो सामान है ना ये सब भी मैं थोड़ा थोड़ा जगह पे रखती जा रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारा फैला है तो मैं सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं जितना कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाए। और यहाँ मैंने अभी अपना ये पेड़ रखा है क्योंकि यहाँ पे धूप आती है ना, तो अभी मैं इसको सुबह इधर ही धूप देती हूँ। यहाँ मसाला हमारा जो है वो भुन रहा है, आइए देख के आते हैं अंदर वर्मा जी क्या कर रहे हैं, कहाँ तक हमारा काम जो है ये पहुँच गया है। तो इधर बैठे हैं वर्मा जी, क्या हो गया है अभी तक, हो गया पूरा क्लीन? क्लीनिंग तो हो गई, वो इलेक्ट्रिसिटी का काम बचा हुआ है तो बस अभी थोड़ा वायर चेक कर रहे हैं, उसके बाद लगाएंगे। और पीहू यहाँ फुल मज़े ले रही हैं, अभी तक ये नहाई भी नहीं है और ये अभी खेल रही हैं। टाइम हो रहा है 11:15, तो मैं सोच रही हूँ अपना लंच भी प्रिपेयर करती। तो मैं यहाँ पे ये सांभर का मसाला डाल रही हूँ और प्याज हमारे भुन गए हैं, मैंने करी पत्ता और सरसों दाने से फ्राई किया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पे सांभर का मसाला और अच्छे से इसको भून लूँगी। और इमली का पल्प नहीं डालती हूँ मैं, मैंने आपको बताया है मैं नींबू ही डालती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ वरना हमारा जो मसाला है वो जल जाएगा। पता है कल रात क्या हुआ कि अचानक एसी से या पता नहीं कहाँ से हम लोग को बहुत ऑयल की महक आने लगी, मतलब तेल की महक आ रही थी और हम लोग सोच रहे हैं पता नहीं कहाँ से महक आ रही है, जैसे शिप पे ना ऑयल बहुत महकता है, तो मुझे वैसे ही कुछ फील हो रहा था कि शिप की स्मेल आ रही है, मतलब शिप वाले ऑयल की महक आ रही है।
फिर हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये एसी से महक आ रही है। फिर हम लोग रात में एसी बंद कर दिए और पूरी रात कल हम लोग बिना एसी के सोए हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ गर्मी थी कि सोना बहुत मुश्किल था, ना मैं सो पाई, ना पीहू के डैडी, हम तीनों ही जग रहे थे और बहुत ही मुश्किल हो रही थी कल। तो इसीलिए आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम एसी क्लीन करेंगे। तो बस जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके सुबह से काम में लगे हुए हैं और पौने बारह बारह बज रहे हैं, और साथ में मैं अपना लंच भी तैयार कर रही हूँ और डोसा बना रही हूँ आपके साथ। थोड़ी थोड़ी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पूरी रेसिपी नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है इसीलिए। अभी आपने देखा मैं सारा सामान सेट कर रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी सेट करती जा रही हूँ। एक्चुअली मैं कैमरा भी देखिए मैंने ठीक से नहीं सेट किया है कि आपको पूरा दिखाई दे, बस मैंने सोचा चलो जब तक हमारा सांभर फ्राई। तो बहुत हद तक मैंने सामान जो है यहाँ से समेट दिया है, अब ये मुझे डिब्बों में भरना है, वो मैं थोड़ी देर बाद करूँगी, तब तक किचन क्लीन कर लेती हूँ। हम लोगों का पूरा एसी क्लीन हो चुका है, अंदर से भी बाहर से भी देखिए आप देख रहे होंगे, और हम लोग यहाँ पे एसी अंदर सेट कर रहे हैं। वाकई कल रात हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, घर मतलब रूम से बाहर आकर के इधर उधर झांक रहे थे, बालकनी से देख रहे थे कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, क्या हो गया अचानक। जब से ये वाइजैक वाला प्रॉब्लम हुआ था ना, तेल वाला प्रॉब्लम, वो सबसे तो और ज़्यादा भी डर लग रहा है। अभी पता नहीं क्या भगवान ने क्या सोच रखा है, क्या क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये वायरस, ऊपर से दिल्ली में आंधी तूफान ओले जो गिर रहे हैं, उन सब चीज़ों से भी सुन सुन के बहुत ज़्यादा आजकल डर लगता है। तो चलिए अब अपनी एसी का सब कुछ यहाँ सेट करते हैं। वर्मा जी बोल रहे थे अभी मैं इसका वायर लगा करके चेक करूँगा, तो मैंने कहा चलो तब तक मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मैंने एक टॉवल से हैंकी से गीला करके अच्छे से उसको पोंछ रही हूँ मैं। मैंने कहा चलो बाहर, अंदर की क्लीनिंग हो गई है तो चलो बाहर का भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत डस्ट है वही मैं यहाँ पे सब क्लीनिंग कर रही हूँ। और जब क्लीनिंग हो जाती है तो कितना अच्छा लगता है ना, पूरा रूम, फिर हम लोग ने पूरा रूम अच्छे से मैंने क्लीन किया, फ्लोर साफ़ किया, अभी आपको दिखाऊँगी में कितना ज़्यादा गंदा हो गया था। तो अब मैं अंदर की क्लीनिंग कर रही हूँ और यहाँ देखिए वर्मा जी ये जो बाहर का एसी का जो कवर होता है ना, वो यहाँ पे साफ़ कर रहे हैं और मैं अंदर वाला फ्लोर की क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा कालिक पूरा हो गया था फ्लोर पे अंदर वाले, तो वही मैं वहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। अभी मैंने पूरा पोछा लगा दिया है, मैं वाइपर से एक बार पोंछ रही हूँ पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था, हमने अंदर ही क्लीन किया था। एसी इतना भारी था कि किचन में बाथरूम में ले जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए हम लोग ने अपने बेडरूम में ही उसे क्लीन किया है।
सारा एसी क्लीन हो चुका है और मैं फिर से नहा करके किचन में आ गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए हम लोगों ने फिर से नहाया। और चेंज वेंज करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में अपना डोसा बनाने के लिए। तो सांभर मैंने पहले बना लिया था, आलू भी बना लिया था, सिर्फ चटनी बनानी थी और वो मैं नहीं बना पाई क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैंने सोचा चलो जो हरी धनिया की चटनी है उसी से चला लेते हैं काम, शाम को देखूँगी बनाना होगा तो बना लेंगे। तो मैंने यहाँ देखिए आलू के साथ थोड़ा सा पनीर भी डाल दिया है और आप चाहें तो आप प्याज और टमाटर भी चॉप करके डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए करारा करारा हमारा गर्मा गर्म डोसा तैयार है। चलिए गर्मा गर्म डोसा खाते हैं और इस व्लॉग को यहीं पर फिनिश कर देते हैं। मिलती हूँ मैं आपको अपने एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से आज मैंने इस व्लॉग को बनाया है। चलिए मिलती हूँ कल, बाय।